जवाब जवाब मैं बताता हूँ, सब उसने इनकार किया है। उसके बाद वो उन्होंने चार को कंप्लेंट करना शुरू किया, हाथ जोड़ा, 2 रुपये में जमीन दिला दो, 2 रुपये में जमीन दिला दो। यहाँ तक परमिशन लिया तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और त्रिपाठी साहब के सर में आप मेरे प्रोफेसर केस में थे सर, मैं भूलूंगे नहीं। डिप्टी रेंजर से रेंजर का प्रमोशन कैसे इसे बिना वकील के लिया सर, और जितना मैं अध्ययन करी इकट्ठा किया हूँ सर, शायद मिले ना मिले, इस डर में मैं वकील से डरता हूँ। राज्य में तो मेरे वकील ने लड़ूंगा बोल दिया सर। अब इन सब बातों को मैं बताऊंगा और फॉलोअप का बताऊंगा तो और दंग नहीं, रह अभी तो जो जाएंगे। मामला है ये उसके यहाँ बारे पे में बताइए। बताऊंगा सर। आपको पिछली बार भी कहा था किसी वकील की मदद ले लीजिए आप करके। अच्छा, किसी वकील की मदद लेने बोले थे सर आपको? पूरा तथ्य है सर इसमें, कोर्ट कुछ प्रश्न पूछेगी, सिविल चिल्ला चिल्ला के प्रश्न नहीं पूछ सकती ना कोर्ट। मतलब फिर से आप तो चिल्ला के प्रश्न नहीं पूछ सकते, वकील रखिए बोल रहे हैं तो धीरे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। भाई कुछ कोर्ट को अगर शंका है कुछ आपकी बहस में तो प्रश्न पूछेगी ना आपको, उसको कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। संतुष्ट करना पड़ेगा जी आपको, हाँ, संतुष्ट वकील करूंगा, रखिए बोल रहे हैं। संतुष्ट करूंगा सर, भले मैं कई सार जाऊं, संतुष्ट कर। पूरा जो है हाई कोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के मेरे पास हर डिसीजन है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता सर, और इससे ज्यादा मेरा न्याय नहीं है। आर टू एलाटे प्लाट इन द न्यू स्कीम, द अपोजिट पार्टी सेंट लेटर ऑफ रिफंड तो आपका आप दावा आपका मयाद बाहिर होने के कारण खारिज हो गया। आपका दावा क्यों खारिज हुआ? टाइम बार में 24 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का टाइम बार में अपने आदेशों को जिला फोरम ने, राज्य आयोग ने नहीं माना, और उसको एज इट इज टाइम बार में कर दिया उन्होंने सर। उसका जो है जो डिसीजन मैं जिला फोरम को बताता हूँ, एक राज्य आयोग को बताता हूँ, वो मेरे ऊपर लागू नहीं किए, और इसमें पूरा जितना भी लाह है वो बताऊंगा धीरे से सर, पूरे लाह है मेरे फेवर बताइए। में जिस और पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है। बताइए। मैंने आपने सेल डेट किया है तो उसको आपको पालन करना है। मद्रास हाईकोर्ट, मदुरई बेंच, उन्हीं का खुद 830 नंबर का डिसीजन, नेशनल कंज्यूमर फोरम का, और जो है अभी जो है 6 नेशनल दिसंबर कंज्यूमर फोरम है। 6 2023 का सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, 60 साल बाद उसने यानी डिसीजन दिया है माननीय उपभोक्ता सुप्रीम को कोर्ट न्यायालय केस में कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए कितना मेहनत है, समय कितना दिया हुआ है? लिए पूछ रहे हैं, उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए टाइम टाइम लिमिट कंज्यूमर उपभोक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में कितना समय लिमिट निर्धारित है? पढ़िए 2 साल का दिए थे सर। कौन सा। सामने वाले ने 151 25 166 इसमें मेरे से छुपाए रखे सर, और उप पंजीयक जो है उसको यह अधिकार नहीं था। पांच पांच थाना रिपोर्ट किया, आईजी को लिखा है, ये कि एक कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से सर, मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक कर मैं कर क्या सकता। जमा पूंजी वापिस करो तो सामने वाले को सर एक ग्राउंड मिल गया, और एनओसी देने के पूर्व माने आवेदन देने के पूर्व आपको उप पंजीयक के आदेशों अनुसार रकम वापसी करने का निर्णय लिया गया है, आवेदन नहीं दिया था। वो कारण क्या बताते हैं, आवेदन नहीं मिला इसलिए। उसको जब आवेदन मिला सर, उसके बाद जो है 3 महीने के बाद जो है बैंक ड्राफ्ट भेजता है, 5 यानी 10 हजार का, मेरा 22 हजार रुपया जमा था सर। इसी राज्य वाले कंडीशन में बताता हूँ, थोड़ा समय देखने सर डिमांड ड्राफ्ट कब आपके नाम पे 10,000 का भेजा? डिमांड आपके दिया गया 10 हजार का आपके नाम, 10 हजार का सर। हाँ ये अपना 29/7/91 को उसने आदेश किया था सर, 29 और 30 29-1-91 हाँ जी सर 29 29/7 डिप्टी रजिस्ट्रार का आदेश है पैसा में वापिस करने का। जी हाँ
और उसने चेक दिया था सर, उसी दिनांक को चेक भेजा था, जिसको मैं 6/9/91 को वापिस कर दिया सर, P11/44 में। उस ऑर्डर को आपने आगे चैलेंज नहीं किया, डिप्टी स्टार के ऑर्डर को? डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर को चैलेंज किया आपने? चैलेंज कलेक्टर को किया था सर, दूसरा उसका संयुक्त पंजीयक को किया हूँ, चैलेंज किया हूँ सर, मैं ये नहीं लिख पाया ठीक उसको, है, बहस करिए पूरी। ये हाँ था बताते जाइए आप, मैं थोड़ा नोट कर रहा आगे हूँ। मोटलाइन से बताओ। जवाब मैं बताता हूँ सब, उसने इनकार किया है, उसके बाद वो उन्होंने चार को कंप्लेंट करना शुरू किया, हाथ जोड़ा, 2 रुपये में जमीन दिला दो, 2 रुपये में जमीन दिला दो, यहाँ तक परमिशन लिया था मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और त्रिपाठी साहब के सर में आप मेरे प्रमोशन केस में थे सर, मैं भूलूंगे नहीं, डिप्टी रेंजर से रेंजर का प्रमोशन केस से बिना वकील के लिया सर, और जितना मैं अध्ययन कर इकट्ठा किया हूँ सर, शायद मिले ना मिले, इस डर में मैं वकील से डरता हूँ, राज्य में तो मेरे वकील ने रूल में बोल दिया सर, अब इन सब बातों को मैं बताऊंगा और फॉलोअप का बताऊंगा तो और दंग नहीं, लग अभी तो जो जाएंगे, मामला है ये उसके इनका बारे मैं में बताइए। बताऊंगा सर। आपने कंज्यूमर फोरम में लगाया कि आपको सर जमीन या जवाब मुआवजा दो दिया सर, जाए। कंज्यूमर फोरम में जमीन के मुआवजा के लिए लगाया आप? पूछ वो रहे हैं सर, तो टाइम बार में रिजेक्ट कर दिए, फिर कहाँ मानते सर मेरे इसको, तो अभी अभी भी तो जब मुआवजा मेरे मांग रहे हैं आप, टाइम पर अभी भी मुआवजा मांग रहे हैं ना? अभी भी मुआवजा ही मांग रहे हैं ना, अभी आप मुआवजा मांग रहे हैं ना कोर्ट से? सर मैं वहां को मैं वहां से कुछ नहीं चाहता सर, मैं माननीय इसी न्यायालय से उच्च न्यायालय चाहूंगा सर, और दूसरी चीज और धारा है, ये धारा 25, धारा ये आईपीसी की धारा भी डालू सर, तो बताऊंगा कहाँ इसका करूंगा, मैं बता रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट तो मेरे को नहीं चाहिए, अब उसको सब मैं जाऊंगा इन सर मरते दम तक। पूरे देख लेंगे, आप मुआवजा चाहते हैं ना, क्योंकि आपका बैनामा नहीं किया उन्होंने सोसाइटी ने। बनामा नहीं किया सोसाइटी ने, आपको मुआवजा चाहिए क्या सर पूछ रहे, डॉक्यूमेंट वो देख लेंगे सर कागज हम जो देख लेंगे, मुआवजा कागज देख मिलना है लेंगे, कि नहीं मिलना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी 6 दिसंबर का है सर, 1,000 गुना राशि दिया है उन्होंने, ठीक है। और मेरे ये कहने का तो मेरा भी 37 साल हो गए सर इस केस को, आपसे मेरा प्रार्थना है सर कि ऐसा करीब भी निकाल दिया हूँ कि इतना बनता है करके आप दया करेंगे सर ठीक है, कानून के परिधि में जो भी सर उचित होगा सर देख सर करके दस्तावेजों को। जो भी है सर दया करेंगे, बाकी मैं बाबू जहाँ मेरे साथ इतने बड़े अन्याय हुआ सन 87 से लेकर के सन कहने पर यहाँ तक मैं दिल्ली से लेकर रायपुर एक्सीडेंट में 36 हो गया सर, 111 नंबर पेज में देखेंगे सर कितना बड़ा राग ले रहे हैं, हाँ 110 है देखिए यार, यही है कहीं या 12 होगा बाकी ये जगह आपका पर इलाज का वो दस्तावेज है? सर, ये 112 देखेंगे लास्ट पेज पहले फाइल, 2.5 साल से बिस्तर में था सर, एक लड़का मार दिया इसी टेंशन में, रात को नींद भी नहीं खुलता सर, यानी खुल जाता है कभी कभी चिंता होती है, इतना अध्ययन इतना अग्रूवमेंट के बाद भी मैं कैसे हार गई, कोई लाभ मेरे काम में नहीं आया सर, इसका दुख है मेरे को, कोई दुख नहीं तो पूरे लाइफ है सर, अभी इसमें अभी जो D5 में पूरे हैं सर देख रहे हैं शुरू से, अभी वाले में सर ठीक है, ठीक है। D5 में लास्ट टाइम में पूरा ये है सर, ये तो सिर्फ सपोर्ट के लिए है पहले वाला, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं आदेश के लिए। जी हाँ अदरवाइज इफेक्ट द इनहेंस पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मेनी बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस आर टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द पूरा अधिकार है सर, आपको ठीक, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, देखेंगे उसको। रखना है सर। अच्छा नेक्स्ट पेशी में पेशे नहीं, आदेश के लिए सुरक्षित है। आदेश के लिए जब लगेगा, आदेश के लिए लगा रहे हैं सीधा सर, तो आदेश के लिए लगे जाए तो लिस्ट में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर इनके साथ हैं, जी। कॉजेस देखते रहना।
बता देना फिर उनको। थैंक यू ठीक, सर। मोबाइल नंबर लिखा है ना आपका? मोबाइल नंबर है फाइल में? हाँ है सर, देखो ना उनकी फाइल में, देखना शुरू मोबाइल ऑफ नंबर मैं है क्या। कौन सा देख लीजिए।